हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अब प्रॉब्लम ये थी कि 5 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी अब उन्हें बढ़ा दे रहा मैंने, 5 की जगह मैं 10 कराऊंगा, 5 के पंच की जगह अब 10 का दम चलेगा। क्यों? क्योंकि 5 क्वेश्चन काफ़ी कम रह रहे थे, काफ़ी बच्चे बता रहे थे कि सर 5 क्वेश्चन कम रह रहे हैं, थोड़े बढ़ा दीजिए। तो मैं 10 क्वेश्चन कराता हूँ ताकि डेली के मैं भी वीडियो बना ही रहा हूँ, तो कम से कम 10 क्वेश्चन करोगे तो आपको ज़्यादा तैयारी होगी, है ना। और कोशिश ये करिए कि 10 क्वेश्चन तो कराऊंगा, वो भी टाइप वाइज कराऊंगा कि मतलब सीरीज और मिसिंग नंबर एक साथ, ब्लड रिलेशन करा तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, डायरेक्शन करा तो डायरेक्शन का क्वेश्चन, ताकि चैप्टर वाइज अगर आप बना रहे हो तो वो भी आपके लिए अच्छा रहे। तो ये मैंने आज 10 से 11 क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं क्योंकि स्टेनोग्राफर का पेपर ही आया हुआ, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर है तो स्टेनोग्राफर का पेपर आ रहा है और इसमें के क्वेश्चन यूपी पुलिस में भी आते हैं, मैंने सोचा ये कराता हूँ। तो सीरीज और मिसिंग नंबर का एक कॉम्बो था, मैंने वो लिख लिया है, सॉल्व मुझे कराना है तो मैंने ऑप्शन नहीं दिए। तो 11 क्वेश्चन आए थे, आपको बता देता हूँ, 10 से 11 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यूपी पुलिस स्टेनोग्राफर में सीरीज से और मिसिंग नंबर से, जैसे कि आपको दिख रहे हैं ये सारे एक ही पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ईयर मुझे याद नहीं है कौन सा ईयर था, मैंने बस नोट कर लिया ऐसे ही, ईयर उस पर लिखा हुआ नहीं था। तो प्रीवियस ईयर का पेपर है ये स्टेनो का, आप चेक कर सकते हो, इसको मैं सॉल्व कराता हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहले पहली सीरीज जो थी बच्चों वो क्या थी, CFI। तो आप देखो C आता है 3 पर, F आता है 6 पर, I आता है 9 पर, तो 3, 3, 6, 3, 9, अब जो आएगा 12 आएगा, 12 पर क्या होता है L, आपका आंसर हो गया L। फिर आपने देखा क्या हो रहा है, बोले ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, तो अब आएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो अब आ गया 25। X 24 पे आता है, ये 21 पर आता है, ये 18 पर आता है, तो 24 में से 3 गया 21, 21 में से 3 गया 18, तो 18 में से 3 जाएगा 15, 15 पर क्या होता है O, आपका आंसर हो गया L 25 O। अब एक बात तो बताता हूँ बच्चों कि आप सोचो कि मैं ही सारे कराऊंगा, तो मैंने ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन आप पॉज करके वीडियो पहले खुद ट्राई करने की कोशिश, क्योंकि मैं तो वीडियो लंबी ना इसलिए टाइम नहीं दे रहा आपको, मैं डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूँ। आप वीडियो रोको, सॉल्व करो, अगर आ जाता है तो कमेंट में आंसर लिख दो, सॉल्व कर लो, और नहीं आता है तब मेरी वीडियो आगे प्ले करके देखो कि हाँ हम कर पाए या नहीं कर पाए, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन आप कर पा रहे हो नहीं, ये चेक करो, क्लियर। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरे में क्या हुआ, तो दूसरे में देखोगे 5 से 21 कितने गैप है, 16 का गैप है, 21 से 57 कितने गैप है, 36 का गैप है। आगे आपसे पूछा है, तो आप देखो ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो आप कितने का स्क्वायर आएगा, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। आपने चेक किया तो 7, 4, 11 का 1 हासिल लगा, 1, 6, 5, 11 और 1, 12, 121 आया। अब आपने क्या देखा कि 8 का स्क्वायर, तो इसके आगे 10 का स्क्वायर, आंसर इसका स्क्वायर 100 होता है, 121 में 100 जोड़ने में 221 बनेगा, हाँ बनेगा, तो आंसर क्या हो गया 121। अगले पे आते हैं, बोले तीसरे क्वेश्चन में क्या हुआ है, तीसरे क्वेश्चन में 720, 180, तो आप देखो यहाँ जो है भाग हुआ है 4 से, और यहाँ क्या हुआ है 4 माइनस किया है, फिर यहाँ क्या हुआ है 4 से भाग किया है, यहाँ क्या हुआ है 4 माइनस हुआ है, फिर यहाँ क्या हुआ है 4 को भाग किया है, तो अब क्या होगा 4 माइनस होगा, 10 में से 4 गया तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ गया 6। अब क्या होगा, बोले 4 से भाग करेंगे, और जब 6 को 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1.5, तो आपका आंसर हो गया 6 और 1.5, दो आपके आंसर हो गए, कॉमा करके लिखेगा मिलेगा ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, जैसे कि आप देख के कर ही लिया होगा आपने तुरंत ही सेकंडों में, कि 5 दुनी 10, 10 दुनी 20, 20 दुनी 40, 40 दुनी 80, तो 80 दुनी 160। देखो सीरीज आप सोचो कि मैंने आसान दी, तो प्रीवियस ईयर का पेपर है, मैंने कोई आसान नहीं दिए, कुछ सीरीज भारी आती है जो समझ में नहीं आती, जैसे कि शायद ये समझ में ना आए, कुछ सीरीज आसान आती है जैसे कि ये, तो हर तरीके के बच्चे के हिसाब से आती है, जिसकी तैयारी अच्छी है, ज़्यादा अच्छी तैयारी कर रहा है वो सारे करके आएगा, वरना कुछ तो करके आए बच्चा, तो इसलिए आसान भी आती है भारी भी आती है, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं सिर्फ जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नहीं, जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं ट्वेल्थ करके भी आए हैं उनके लिए भी वो इस तरीके से क्वेश्चन देता है। अब आगे आते हैं, इस पे आते हैं कौन सा गलत है, आपको ये बताना था इनमें से कौन सा गलत है, तो आपको देख के पता चल जाएगा 15 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता 48, तो आंसर क्या हो गया 48, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला था 9, 7, 6, 10, तो आपको तुरंत देख के पता चल जाएगा, जैसे मैंने पढ़ के पता चल गया कि 9 और 7 कितना होता है 16, और 16 में से 6 गया 10, क्या हुआ है 9 + 7 - 6 = 10। यहाँ फिर देखो तो 8 + 5 = 13 - 10 = 3, या 13 - 3 = 10, तो सेम यहाँ करेंगे 9 और 6 कितना हो गया, बोले सर 9 + 6, लिख ही देता हूँ तो आप कन्फ्यूज हो जाओ, 9 + 6 - 4, तो 9, 6, 15, और 15 में से 4 जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 11, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 7, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये पैटर्न समझ में नहीं आता बच्चों, इसको ध्यान से समझना कि इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये है देखो, 8 × 80, 8 की 10 से मल्टीप्लाई करी, तो ये आगे नीचे वाला इस कोने से इस कोने में पहुंचे, अब इस कोने से इस कोने में पहुंचो तो ये कैसे हुआ है, बोले 8 + 1, क्योंकि 8 से अगला 9 होता है, गुणा कर दिए 10 से, तो 8 + 1 = 9, और 9 × 90, अब यही
इस कोने से इन दोनों कोनों में पहुंचना पड़ेगा। तो यहां तो आपने देखा 3 धाम 30 काम चल रहा है, यहां क्या होगा, बोले 3 से अगला 4 और 4 धाम 40, यानी कि 3 + 1 × 10, तो 4 धाम 40, आपका आंसर कितना हो जाएगा 40। तो यहां पे आंसर क्या हो गया आपका 40। अच्छा बेटा ने बच्चों समझ में नहीं आता, क्लियर, कोई डाउट हो तो बता देना, क्या हुआ है फिर बताया तो समझ में शायद ना आया। 8 धाम 80 इस कोने से इस कोने में, त्रिभुज एक है ना ये, तो 8 धाम 80 और 8 से अगला 9 धाम 90, तो यहां से ऐसी करेंगे 3 धाम 30 है और 3 से अगला 4 धाम 40, तो यहां क्या आ जाएगा 40। इस पे आते हैं बेटा, तो इसमें क्या हुआ है, तो आप देखो इसमें क्या हुआ है, 6 3 18 6 18, हाँ ये आप देखोगे तो इसको 3 से भाग करो तो ये आ गया, 198 को 3 से भाग करो तो 66 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, बोले 66 को 3 से भाग कर दो कितना आ जाएगा, बोले सर 22 आ जाएगा, 22 3 66, आंसर क्या हो गया 66। उल्टा पढ़ लो, 22 3 66 6 8 198 198 3 5 94, आंसर क्या हो गया 22। नवा क्वेश्चन बच्चों, टाइम ज़्यादा ना लगे ना, तुम लोग ज़्यादा लंबी वीडियो देखते नहीं हो, आप लोग को पता नहीं क्या इशू है कि आप ज़्यादा लंबी वीडियो देखना नहीं चाहते, इसलिए शॉर्ट में स्पीड में लेके चल रहा हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी कर पाओ। अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा, इसमें क्या हुआ है, तो आप देखोगे कि 2 और 3 5 और गुणा कर दी 15 से 15 = 75, फिर आपने इन्हें जोड़ा 7 और 4 11 और 11 के 15 से गुणा कर दी तो आ गया 165। सेम आप इन्हें जोड़ दोगे 14 और 5 19 और गुणा कर देंगे 15 से, तो 15 निम्मा 135 का 5 हाथ से लगा 13 15 का 15 और 13 28, आंसर हो गया 285। क्लियर, 19 × 15 आंसर कितना हो गया 285। अब आगे बढ़ते हैं, आगे 10वां क्वेश्चन, 10वीं सीरीज ये है आपकी अल्फाबेट वाली की सीरीज, ये भी बहुत आती है। तो बच्चों इसमें क्या करना होता है कि जहाँ ज़्यादा अल्फाबेट है वहाँ से बचाने की कोशिश करो, कि देखो सी के बाद डबल ए आ रहा है, सी के बाद यहाँ भी जाएगा खाली, तो यहाँ भी सी के आगे डबल ए आएगा, तो आपने देखा यहाँ क्या जाएगा सी, अब पैटर्न बचाने की कोशिश करो, कुछ बन रहा है, बोले हाँ बन तो रहा है, डबल बी सी डबल ए, अपने आप पैटर्न बन गया, तो क्या क्या आया, बोले सी आया, बी आया, बी आया, ए आया, तो आपका आंसर क्या हो गया सी बी बी ए। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ देखो भाई, जहाँ ज़्यादा लोग हैं वहीं से देखो कि C के बाद D आ रहा है, तो यहाँ C के बाद D रखा, तो आपने देखा क्या हुआ, BCD, ये DBC, और ये बन गया CBD, एक एक बन रहा है, एक एक आगे तैयार है, पहले BCD चला, फिर उसने क्या किया DBC करते D उठा के आगे ले गए, तो अब क्या होगा, आप C उठा के आगे ले जाओगे तो CBD आपका बन जाएगा, तो इसका आंसर ये एक पैटर्न है, ऑप्शन हुआ BCCCB या आपका आंसर हो गया। तो आई होप बच्चों आज 11 क्वेश्चन थे, स्टेनोग्राफर में आते हैं 10-11 क्वेश्चन, यूपी पुलिस में भी 10-11 ही आएंगे, तो आपको अच्छा लगी होगी वीडियो, लगी होगी अच्छी, तो आपको क्या करना है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत समझदार हैं, है ना। अब आगे वीडियो को पॉज करते हुए या रोकते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसे ही अब 5 की जगह 10 क्वेश्चन डेली के देने वाला हूँ, कॉपी आपने बना रखी है, तो अगर कुछ लोग आप लोग ना दूसरी कॉपी से नहीं भी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन नहीं मिल रहे कहीं से, तो आप टेलीग्राम से छाट सकते हो, दूसरे बच्चे क्वेश्चन भेज रहे हैं, अगर वो भी नहीं कर रहे तो आप सिर्फ 10 क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ वही नोट करते चलो, अगर अपने पास से भी नहीं कर रहे तो मैं खुद ही करा दूंगा आप, क्लियर। मिसिंग नंबर सीरीज बेटा ऐसे क्वेश्चन है जिनको जितनी कम तैयारी करो कम हो, सैटरडे संडे में मैं आपको मोटिवेशनल देता हूँ या क्वेश्चन देता हूँ, मैं आपको ये नहीं कराता हूँ, बट अब से मैं कोशिश करूंगा कि मैं सैटरडे में भी, संडे में तो नहीं, संडे की तो छुट्टी रखेंगे, मोटिवेशनली चलेगी खाली, लेकिन मैं कोशिश करूंगा सैटरडे में भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूं ऐसे क्वेश्चन आपको, क्लियर। दूसरी चीज़ बच्चों, कुछ बच्चे मैंने आपको प्लेलिस्ट देखना नहीं आता है, आप चैनल पे जाके स्लाइड करेंगे राइट में, आप मेरे चैनल पे जाइए, चैनल पे जाके राइट में स्लाइड करेंगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख रहा होता है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, स्टेनोग्राफर में जो चैप्टर आते हैं और पीटी के